दूध बेचती हूँ, प्रति किलो लेकर आता है। किलो कितने का दूध है इनका? 150, 200, 100 किलो और पूरा कमती हूँ। रोजाना? हाँ। मारते तो नहीं? नहीं। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है जो कि तीन इतने इतने भरे ऊँटों को संभाल के खड़ी हुई है, और मैं देख रहा था कि लाहौर की सड़कों पे घुमा रही है, ये नियाजी चौक के करीब है, और मुझे तो खौफ आ रहा है इनसे, लेकिन ये अकेली घूम रही है। बेटा आगे आ जाओ जरा, मारते तो नहीं? नहीं, जब मैं अकेली संभालती हूँ। अकेली संभालती? हाँ। डर नहीं लगता इनसे? लगता है। किसने लेके दिए थे ये ऊँट? पापा ने। पापा ने लेके दिए? तो पापा किधर है अब? पापा जो रावी के पुल पे गए। रावी के पुल पे गए हुए हैं? तो आप अकेली लेके घूमती रहती है लाहौर में, किस लिए घूमती हो? है, मैं लाहौर पूरा घूमती हूँ। रोजाना? हाँ। दूध बेचती हूँ। क्या? दूध बेचती हूँ। अच्छा, दूध बेचती हूँ। दोनों ऊँटनी है? हाँ। अच्छा, ऊँटनियों का दूध बेचने के लिए ये लाहौर की सड़कों पे घूमती है, ऊँट इनका दूध बिक जाता है? हाँ जी। कौन लोग लेते हैं? लोग लेते हैं। कौन से लोग? लगा कितने का दूध निकलता है एक ऊँटनी से? 5-6 लीटर, 20 किलो लीटर आता है। 20 किलो? हाँ जी। एक ऊँटनी से? तो ये दो ऊँटनी है कि एक ऊँट है? दो ऊँट है ना? दो ऊँटनी है। दो ऊँटनी है? हाँ जी। यानी टोटल 60 किलो दूध निकल आता है। तो झूले वगैरह भी देती हो बच्चों को? नहीं, वो नहीं है। नहीं, जब दूध बेचती हो तो कितने बजे तक दूध बिक जाता है आपका? जाना बिक जाता है। जाना सारे बिक जाता है 60 किलो? पढ़ने को दिल नहीं करता? नहीं। क्यों? बाकी कोई बहन भाई वगैरह है बड़े? एक है। वो क्या करते हैं? जो घर रहते हैं। वो घर में रहते हैं? तो आपको भेज देते जाके दूध बेच के आओ? हाँ जी। तो डर नहीं लगता? खौफ नहीं आता? ये तो एकदम ऐसा जानवर है, ये पागल भी हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप सब काबू हो जाओगे? ट्रैफिक में लेके घूम रही हो? ये मारते नहीं गए। मारते नहीं है? लेकिन आप बेटा ट्रैफिक में लेके घूम रही हो, खुदा ना खास्ता कोई पागल हो जाए ट्रैफिक में, ऐसे डर जाए फिर? नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं होता। नहीं। कितने साल की थी जब ऊँट संभालना शुरू किए थे ये? जब मैं पूरा साल ही लिखे होते थे, मैं कर संभाल लेती थी। छोटी होती संभालती थी? हाँ। यानी ये जो ऊँट है इसकी तो चलो आपके साथ सलाम तो होगी, क्या क्या नाम रखे हुए इनके? नहीं, नाम कोई भी नहीं रखा। नहीं। क्या क्या के बुलाती हूँ? जय ऊँट कहते हैं। ऊँट कहती हो? हाँ। बस और कुछ भी नहीं कहती? नहीं। अब जा, अब किधर जा रही हो? शम्मा दे। शम्मा? शम्मा स्टेशन पे पैदल ही जाती हूँ। हाँ जी। रावी के पुल से चलती हो और शम्मा तक? हाँ जी। पैदल ही घूमती हो? हाँ जी। बड़ी बात हो ना तुम तो। रोजाना? हाँ जी। कहती नहीं है, माँ बाप कहते नहीं है साड़ी धी थक गई है? थकती नहीं हो? नहीं थकी। कितने रुपए किलो कितने का दूध है इनका? 150, 200, 100। अच्छा, इनका फायदा क्या है दूध का? जगाने वास्ते, जोरों पैरों से मेरे अंदर में नाम नहीं आ रहा। ओए। अच्छा जी, जोरों का दर्द, पांवों का दर्द, यानी किसी भी किस्म का दर्द हो, क्या कह रही हो? पेट पानी वास्ते होता है। क्या? किस लिए होता है? पेट पानी वास्ते। समझा? समझ नहीं आ रही। पेट पानी है ना, होने वाले पानी हो। हां, और चंगा होता दूध दूध वाला। अच्छा होता है। हां जी। कभी कुर्बानी के लिए भी बेची है? नहीं, सिर्फ दूध वगैरह ही बेचती हो। बड़ी हिम्मत है। तो पापा को कहा नहीं, पापा आप लेके जाएं, आज मैंने नहीं लेके जाने? मेरा भरा है, भाई है, वो ले जाता कभी कभी। हां जी। आप तो बड़ी हिम्मत वाली हो। कोई पैगाम देना चाहती हो लड़कियों को जो खड़ी होके मांग रही होती हैं? मैं नहीं मांगती। आप नहीं मांगती? मेहनत से खाती है? मेहनत करती हो ना? हाँ जी। लेकिन बेटा पढ़ने को कभी दिल नहीं किया? माँ बाप को कहा नहीं कि मैंने पढ़ना है? नहीं। अच्छा जी, हिम्मत की लड़कियों की मसाले तो सुनी थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये बच्ची, इसकी मैं उम्र पहले पूछ लूँ, उम्र कितनी है आपकी? मैंने उम्र का नहीं पता, मेरी उम्र का भी नहीं पता नहीं। अच्छा जी, उम्र का भी इसके माँ बाप को ही पता है। छोटी सी बच्ची है और रावी के पुल से शुरू होती है और शम्मा स्टेशन तक ये बच्ची ऊँटनियों का लेके जाती है, और रास्ते में कोई दूध खरीद ले तो बेच जाती है, और तब तक वापस नहीं आती रावी के किनारे जब तक इसका दूध ऊँटनियों का बेच नहीं लेती। बड़ी बहिम्मत लड़की है, ऐसी मिसालें कम ही मिलती हैं। आप उनको भी देखते होंगे जो हट्टे कट्टे नौजवान सड़कों पर मांग रहे होते हैं, लेकिन ऐसी बच्चियों और ऐसी औरतों को यकीन माने सलाम, और दिल करता है इन लोगों को इज़्ज़त की जाए। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।